नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज देख रहे हैं। अब बयानबाजियां चुनावी रैलियों के साथ साथ ट्विटर पर भी अधिक हो गई हैं। अभी अभी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर नरेंद्र मोदी के वादों का जिक्र करते हुए निशाना साधा था और अब तुरंत बाद राबड़ी देवी का भी एक ट्वीट सामने आया है। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने घेरा और अब राबड़ी देवी प्रधानमंत्री मोदी को घेर रही हैं, कई सारे आरोप लगा रही हैं। उनका ट्वीट हम आपको पढ़कर सुनाते हैं क्या लिखा है राबड़ी देवी ने। राबड़ी देवी लिखती हैं, तीनों लोक चारों युगों और समूचे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे झूठा आदमी है तो वह है नरेंद्र मोदी। पूरे दिन बक बक बड़बड़ गड़बड़ काम के कोनो बात नहीं खे। तो नरेंद्र मोदी पर राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि पूरे दिन बक बक बड़बड़ और गड़बड़ करते हैं मगर काम का कोई बात नहीं करते। अब राजद भी एक के बाद एक लगातार जनसभाएं कर रहा है। लालू प्रसाद यादव हरिद्वार से रिम्स शिफ्ट किए गए हैं क्योंकि तबीयत खराब है। SLP भी दायर कर रखी है, बाहर आना चाहते हैं, चुनावी महापर्व में जनता के बीच जाकर रैलियां करना चाहते हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। मगर जनता के पास नहीं होके भी रिम्स के अंदर से लालू भी ट्वीट कर रहे हैं, तेजस्वी तो ट्वीट करते ही रहते हैं। और अब राबड़ी देवी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी को इस युग ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठा करार दिया है। चुनाव नज़दीक है तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक बयानबाजियां तो गर्म होंगी ही, बिहार में तो खास तौर पर खींचतान भी अधिक और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन किसी भी तरह कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, तो अपने बयानों को लेकर एक तरफ जहां नीतीश कुमार लगातार सरकार के किए हुए कामों को गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है राजद और अन्य पार्टियां सरकार की कमियां गिनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ क्योंकि बिहार झारखंड के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।